हेलो गाइस, वेलकम टू बैक रामसियन टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। जैसा कि गाइस मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पंचायत में जितने भी नियम कानून आते हैं, जितने भी लाभ आते हैं, उनका मैं एक एक करके वीडियो बनाकर आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा और आप उसका ज़रूर लाभ लें। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मनरेगा। इसके अंतर्गत गाइस अगर आपके पास एक एकड़ से लेके अधिक ज़मीन है और आप वहाँ पे कोई काम करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे कौन कौन काम हो सकते हैं। तो पहला काम गाइस, आप मेड़ बंधान करवा सकते हैं और तालाब बनवा सकते हैं, और तीसरा गाइस आप खेत का खुदवाई करवा सकते हैं। तो गाइस बताना चाहूँगा, इन सभी काम के लिए अलग अलग पैसे आपके लिए स्वीकृत होंगे और आपको इस काम को करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो गाय सबसे पहले आप अपना पट्टा, खसरा नक्शा और आपका जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह, आपका रिकॉर्ड, वो पूरा इकट्ठा करके आपने पंचायत या नगर पालिका में लेके दिखाइए और वहाँ पे जमा करिए। इसके बाद आपका सही रिकॉर्ड होने के बाद आपका आपसे आवेदन भरवाया जाएगा और आवेदन भरवाने के बाद उसको आगे भेज दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद अगर आपका काम होने वाला रहेगा तो पैसा स्वीकृत हो जाएंगे और आपको पंचायत में पता चल जाएगा गाइस कि हाँ आपका काम स्वीकृत हो गए हैं। फिर आप अपने रिकॉर्ड के अनुसार, अगर आपका 2 एकड़ ज़मीन है या फिर 5 एकड़ ज़मीन है या 7-8 एकड़ ज़मीन है, उसके अनुसार आपका राशि स्वीकृत होंगे और उसके आधार पर पंचायत के माध्यम से आपके ज़मीन में काम करवाया जाएगा, जिसको हम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जानते हैं। इसमें गाइस ग्रामीण के लोग या फिर शहर में निवास करने वाले जो गरीब लोग हैं, वही इस काम को करेंगे और उनको आपके ज़मीन के माध्यम से उनको जो रोज़गार दिया जाएगा, जितना भी राशि स्वीकृत होंगे, वह उन रोज़गारों जो काम करने वाले लोग हैं उनका आमदनी आपके काम के माध्यम से उनको रोज़गार मिलेगा। तो गाइस इस काम को करवाने के लिए आप अपना रिकॉर्ड देंगे तो आपका खेत मेड़ बंधान बन जाएंगे फ्री में, और जो भी जनता, जो भी गरीब लोग हैं उस काम को करेंगे तो सरकार के द्वारा जितने भी राशि स्वीकृत किया जाएगा वह राशि को उस जनता को दिया जाएगा। आपको इसमें किसी प्रकार का राशि नहीं दिया जाएगा गाइस, वह पंचायत के माध्यम से ही उन जनता को दिया जाएगा कितने दिन वो आपके काम किए हैं। सरकार का जितना सरकारी रेट है उसके अनुसार उन जनता को प्रतिदिन कितना राशि दिया जाएगा वो तय किया जाएगा। तो गाइस बताना चाहूँगा, आप मेड़ बंधान करवा सकते हैं, खेत बनवा सकते हैं, तालाब बनवा सकते हैं, आप जितने भी नियम कानून आते हैं, तो आप इन सभी का डिटेल इंफॉर्मेशन आप अपने पंचायत में सेक्रेटरी, सचिव और सरपंच के माध्यम से पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे गाइस ये नियम तो बहुत पहले से चल रहा है, कुछ लोग इसका लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं। जैसे कि मैं बताया हूं कि मैं पंचायत में जितने भी लाभ आते हैं इनका एक एक करके वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँगा, और जो लोग इसका लाभ नहीं ले रहे हैं वो मेरे वीडियो के माध्यम से देख कर कम से कम उनको यह गाइडलाइन तो मिल जाएगा कि हम जाके एक बार चर्चा करते हैं, हमारा खेत को सुधरवाना है तो शायद सुधर जाए। तो आप सही डॉक्यूमेंट देंगे तो ज़रूर गाइस आपका खेत का सुधार जरूर होगा और आने वाले समय में आप अच्छा से अच्छा फसल उगा पाएंगे, और आप कृषक हैं तो आपका काम जरूर होगा गाइस। तो चलिए, आई होप मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ओके, बाय बाय।